प्लांट्स बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ यार संजय, प्लांट्स तो तेरे काफी ज्यादा ओपी हैं, मगर ये तो मुझे प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ वाला मैप लग रहा है। अरे हाँ यार हामिद भैया, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हामिद भैया, मेरे सारे के सारे प्लांट्स को यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं। वैसे हाँ यार संजय, ये तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत वाली बात है। और ये क्या है? अरे यार हामिद भैया, ये तो मेरा फार्म हाउस है। अबे वाह यार संजय, तेरे पास तो यहाँ पे फार्म हाउस भी है और दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा है। मगर यार संजय, ज़ॉम्बीज़ कहाँ पर है? अरे यार हामिद भैया, ज़ॉम्बीज़ यहाँ से निकलती है। क्या बात कर रहा संजय, यहाँ से ज़ॉम्बीज़ निकलती है क्या? अरे हाँ यार हामिद भैया, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो सिंचन, तू उन लोग को मारता कैसे है? अरे यार हामिद भैया, मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि यार हामिद भैया, मैं हमारे ज़ॉम्बीज को नहीं मार सकता हूँ। मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला आर्चर है। सिंचन यार, तेरा ये वाला आर्चर तो कुछ ज्यादा ही ओपी है, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हो इसने यहाँ पे ग्लासेस और ये वाली हेड भी पहनी हुई है। अरे यार हामिद भैया, बगैर इस अकेले की बस की बात नहीं है हामिद भैया, यहाँ पे ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा आती है। सिंचन यार, मैं भी देखना चाहता हूँ यहाँ पे ज़ॉम्बीज है कहाँ पर। अरे यार हामिद भैया, आप मेरे प्लांट्स को यहाँ पे बचा लोगे? हाँ ना यार सिंचन, मैं पक्का बचाऊंगा इनको। सिंचन यार, तेरा आर्चर कहाँ पर है? आर्चर का तो रास्ता ही नहीं पता यार। अबे नहीं नहीं चौप, इसको रास्ता पता है। और गाइस सिंचन का आर्चर यहाँ पे बाहर निकल चुका है और ये आप लोग देख रहे हो यार गाइस, यहाँ पे ढांचे आ चुके हैं। वैसे यार गाइस, ये वाला आर्चर तीर तो बहुत ज्यादा ओपी मार रहा है। इन वाले ढांचे को काफी ज्यादा तीर तो लग चुके हैं, मगर यार गाइस ये लोग यहाँ पे मर नहीं रहे। अरे यार हामिद भैया, यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। हामिद भैया, आप देख रहे हो कि मेरे सारे के सारे प्लांट्स को ये लोग तोड़ रहे हैं। हाँ वैसे यार सिंचन, ज़ॉम्बीज तो यहाँ पे वाकई में कुछ ज्यादा ही है। मुझे लगता है कि तेरा ये वाला आर्चर यहाँ पे जीत जाएगा। और हम लोग अकेला क्या करेगा, हमें लगता है कि हम लोग को यहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी यार। हाँ वैसे यार चौप, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि गाइस आप लोग देख रहे हो ये वाला आर्चर यहाँ पे सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। मगर गाइस, जिसने इस वाले साइबर गोल को यहाँ पे मार दिया है। अरे यार हामिद भैया, मेरे सारे के सारे प्लांट्स यहाँ पे टूटते जा रहे हैं। सिंचन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इन वाले ज़ॉम्बीज के पास आखिर पावर्स कितनी है। अरे यार हामिद भैया, ये लोग बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। हामिद भैया कुछ कर लो। अबे यार सिंचन, यहाँ पे तो हेलहाउंड और लावा गोलम भी आ चुके हैं। अरे हाँ यार हामिद भैया, ये लोग मेरे सारे के सारे प्लांट्स को यहाँ पे तोड़ते जा रहे हैं। वैसे यार चौप, ये वाली आर्मी तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अरे हम वाकई में हम बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम एक दफा जब ये लोग सारे के सारे प्लांट को तोड़ देंगे तो फिर आर्चर को तो छोड़ेंगे नहीं यार। अरे यार चौप, सिर्फ आर्चर को नहीं, ये लोग तो मेरे घर के भी दुश्मन है। और यार हामिद भैया, ये लोग मेरे घर को भी तोड़ना चाहते हैं। मगर यार सिंचन, इन लोगों ने अभी तो तेरे आर्चर को तोड़ दिया है। और हम आर्चर लगता है कि अभी तक जिंदा है यार। अबे नहीं यार चौप, आर्चर यहाँ पे मर चुका है। अभी ये लोग सिंचन के घर के अंदर जा रहे हैं। अरे यार हामिद भैया, इनको रोक लो। हाँ यार सिंचन, मैंने इन लोग को रोक दिया है और मैंने देख भी लिया कि यहाँ पे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। तो यार सिंचन, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि थोड़े से और आर्चर्स को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। आई होप कि आकाश हम लोग के ये वाले आर्चर्स यहाँ पे जीत जाएंगे। अरे हाँ यार हम लोग के आर्चर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। हाँ यार चौप, हम लोग के आर्चर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक है। और मुझे तो लगता है कि आकाश अभी हम लोग यहाँ पे जीतने वाले हैं, क्योंकि जब ऊपर से तीर पड़ेंगे ना, फिर तो आकाश सारे के सारे ज़ॉम्बीज यहाँ से भागने वाले हैं। और आप लोग देख रहे हो कि हम लोग के 67 आर्चर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अरे हम लोग 70 पूरे करते हैं यार। ठीक है चौप, अगर तू बोलते हैं तो हम लोग यहाँ पे अपने 70 आर्चर्स को पूरा कर देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि आकाश हम लोग की ये वाली आर्मी यहाँ पे जीतती है या फिर ये वाले ज़ॉम्बीज यहाँ पे जीते हैं। ऊपर वाले आर्चर्स तो यार नीचे गिर के मर गए, हम लोग का प्लान यहाँ पे फेल हो गया। मैं कोई बात नहीं, अंदर भी हम लोग के काफी ज्यादा आर्चर्स थे। बहुत ज्यादा स्पीड से गाइस ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे यहाँ पे 10-10 तीर निकल रहे हैं। अभी तो यार गाइस ये वाले ज़ॉम्बीज यहाँ पे बचेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे काफी ज्यादा आर्चर्स आ चुके हैं और हम तीर पे तीर बरस रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देख के यार। हाँ यार चौप, मुझे लगता है कि अभी हम लोग जीत जाएंगे। अरे हम मगर यहाँ से लावा गोलम और हेलाउंड भी निकलते हैं यार। हाँ वैसे यार चौप, ये भी है। मगर यार चौप, हम लोग के भी यहाँ पे काफी ज्यादा आर्चर्स हैं। और गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसको तो यहाँ पे 3 तीर लग चुके हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हेडलेस हल्क भी आ चुका है, तलवार मार के सारे पौधों को ये लोग तोड़ रहे हैं यहाँ पर। मगर हम लोग के आर्चर्स भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है। ये लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी काम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि आकाश ये वाला हेलाउंड यहाँ पे मरता है कि नहीं। अगर तो ये वाला हेलाउंड मर गया तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग के आर्चर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आकाश यहाँ पे हेडलेस हल्क मर चुका है, इसका मतलब है कि आकाश आर्चर्स के पास भी काफी ज्यादा पावर्स है। मगर पीछे से बहुत ज्यादा लावा गोलम आ चुके हैं। अभी हम लोग ने देखना ये होगा कि हम लोग के आर्चर्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। लावा गोलम भी यहाँ पे मर चुका है, हेलाउंड भी यहाँ पे मर गया। और ये मैं क्या देख रहा हूँ आकाश, यहाँ से तो कोजर और डीमन भी निकल रहे हैं। अरे हाँ यार हामिद भैया, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर यार सिंचन, यहाँ पे आर्चर्स भी किसी से कम नहीं है। और आकाश ये मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ये लोग यहाँ पे करीब आते हैं हम लोग के आर्चर्स यहाँ पे मर जाते हैं। वैसे आकाश आर्चर्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी काम किया था, मगर अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिट्स आ चुके हैं। ये एक आर्चर अभी यहाँ पे क्या ही कर लेगा। और हाँ ये तो स्टाइल मार रहा है यार। हाँ वैसे यार चौप, स्टाइल तो ये मार रहा है और साथ में ये भाग भी रहा है। और हेडलेस हल्की मुंडी ने इसको नीचे गिरा दिया, साथ में कोजर और डीमन भी यहाँ पे आ चुका है। मगर आकाश ये अभी तक जिंदा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर आकाश ये मैं क्या देख रहा हूँ, ग्राउंड से बाहर उठा के पटक दिया इसको। ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया है। अरे यार हामिद भैया, ये लोग मेरे घर के अंदर जा रहे हैं। हाँ सिंचन, मैं कुछ करता हूँ यहाँ पर। तो आकाश अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन वाले आर्चर्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि इन लोग ने यहाँ पे कोई भी ओपी काम नहीं किया। मगर आकाश मेरे पास अभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ओपी प्लान है। हम लोग इन वाले बॉक्सेस के ऊपर लगाने वाले हैं बैलेस्टा को, क्योंकि आकाश बैलेस्टा की रेंज भी काफी ज्यादा होती है। अरे हाँ यार हामिद भैया, और बैलेस्टा के पास डैमेज भी ज्यादा होता है। हाँ यार सिंचन, मुझे लगता है तेरा घर अभी यहाँ पे बच जाएगा। साथ में आकाश हम लोग ऐसा करते हैं कि हर एक लाइन
के ऊपर हम लोग यहाँ पे खड़े करने वाले अपने आर्चर्स को, क्योंकि यार गाइस आप लोग ने देखा होगा कि जब आर्चर्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं तो ये वाली आर्मी यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकती। और यार गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाले आर्चर्स यहाँ पे आर्मी को अपने आगे तो आने नहीं देंगे। और यार गाइस अगर जस्ट इन केस आर्मी यहाँ पे आगे आ भी गई तो घर के ऊपर हम लोग के बैलिस्टा भी तो लगे हुए हैं, तो यार गाइस अभी तो हम लोग को यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं। अरे यार हम भैया, इसका मतलब कि मेरे प्लांट्स यहाँ पे जीत जाएंगे। हाँ यार सच्चा, मुझे लगता है कि तेरे प्लांट्स और ये वाले आर्चर्स यहाँ पे जीत जाएंगे, क्योंकि यार गाइस हम लोग के यहाँ पे 93 यूनिट्स आ चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा है। बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ये वाले आर्चर्स अभी बस इंतजार कर रहे हैं कि यार गाइस एक दफा आर्मी यहाँ पे सामने आ जाए। लगता है कि यार गाइस ज़ॉम्बीज यहाँ पे डर चुके हैं, मगर नहीं यार गाइस ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ गए, मगर आर्चर्स भी यार गाइस यहाँ पे 93 है, ऊपर बैलिस्टा भी लगे हुए हैं, तो यार गाइस हारने का तो यहाँ पे अभी चांस होगा नहीं। आप लोग देख लो कि यार गाइस ये लोग इनको आगे आने नहीं दे रहे, तो ये लोग क्या घंटा जीतेंगे यहाँ पर। अरे यार हामिद भाई, आपके पास तो बहुत ज्यादा ओपी प्लान्स हैं। आने यार संजय, तू देख रहा है यहाँ पे कितने ज्यादा तीर बरस रहे हैं इनके ऊपर, एक सेकंड के अंदर अंदर सारे के सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे मरते जा रहे हैं। मगर अगर स्केलेटन वॉरियर के हाथ में जो ये वाला आर्मर है ना, ये बहुत ज्यादा काम खराब करता है। मगर गाइस मुझे तो लगता है कि सारे के सारे स्केलेटन वॉरियर्स यहाँ पे मर चुके हैं। अभी यहाँ पे साइबर गोर और हेल्डर्स हल्का वेव आएगा, मगर गाइस मुझे पक्का पता है कि हम लोग के आर्चर्स इसको भी सर्वाइव कर लेंगे यहाँ पर। और गाइस हम लोग के यहाँ पे सिर्फ आर्चर्स तो है नहीं, हम लोग के ऊपर बैलिस्टा भी लगे हुए हैं। मगर गाइस यहाँ पे हेल्डर्स हल्क को ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है, इसको मारना ही होगा यार गाइस। अगर तो ये वाली आर्मी यहाँ पे ज्यादा आगे आ गई फिर तो यार गाइस हम लोग के आर्चर्स यहाँ पे मरने वाले हैं, क्योंकि इनके पास हेल्थ बहुत ज्यादा थोड़ी सी होती है, तो इन लोग को साथ साथ पीछे भी भागना होगा। मगर पता नहीं क्यों यार गाइस ये लोग पीछे नहीं भाग रहे। अरे हम तो आर्चर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, हम तो पीछे नहीं भागेंगे यार। अबे यार चलो पीछे नहीं भागेंगे तो मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं हमें भैया, अभी हम लोग पक्का जीतने वाले हैं। हाँ यार सिंचा मुझे भी यही लगता है, और यार सिंचा मुझे साथ में ये भी लगता है कि कोजरोक डीमन के बाद यहाँ पे स्कॉर्च की वेव आएगी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हेडलेस हल्क तो यार गाइस यहाँ पे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, और इतने बड़े लावा गोलम को भी यार गाइस आर्चर्स ने यहाँ पे मार दिया है। अभी इस बार लावा गोलम की मरने की बारी, ये भी यहाँ पे मर चुका है। मगर यार गाइस यहाँ पे एक और लावा गोलम आ चुका है, ये भी यहाँ पे ज्यादा नहीं बचे, क्योंकि यार गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्चर्स है हम लोग के। मगर यार गाइस यहाँ पे अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम लोग के बैस्टर ने भी यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। अभी तो ये लोग यार गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। आप लोग देख रहे हो कितनी स्पीड से बैस्टर इनके ऊपर लग रहे हैं। बैस्टर के पास आर्चर से ज्यादा पावर होती है, और मुझे तो लगता है कि यार गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे। और ये आप लोग देख रहे हो कोजरोक डीमन की यहाँ पे वेव आना शुरू हो चुकी है। मगर कोई बात नहीं, हम लोग के बैस्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर लगे हुए, तो ये वाला छोटे यूनिट तो यहाँ पे ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। अरे यार हमें भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हमें भैया लगता है कि अभी मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा। सिंचन यार ज्यादा खुश मत हो, सारे के सारे आर्चर्स यहाँ पे मर चुके हैं, मगर बैलिस्टा यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। आई होप कि आकाश जी वाले बैलिस्टा यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। कोजरोक डीमन के सर पे यहाँ पे बैलिस्टा लग रहे हैं, और इस बेचारे को पता नहीं चल रहा कि आकाश इसने यहाँ पे करना क्या है। फाइनली आकाश जी वाला कोजरोक डीमन यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से मर चुका है, पीछे से लावा गोलम भी आ चुका है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, आकाश जी लोग तो फार्म हाउस के अंदर चले गए। अरे यार हमें भैया, मैं जीत तो जाऊंगा ना। हाँ यार सिंचन, मुझे लगता है कि तू यहाँ पे जीत जाएगा, मगर ये लोग तेरे घर के अंदर आ चुके हैं। अरे यार हमें भैया जल्दी से कुछ करो, ये लोग मेरे फार्म हाउस को यहाँ पे तोड़ देंगे। हाँ सिंचन मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। वैसे यार सिंचन मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राई तो किया है, मगर पता नहीं क्यों ये वाले आर्चर्स यहाँ पे आगे चले जाते हैं। तो यार हम लोग को इनको यहीं पे रोकना होगा, और इनको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इन बॉक्सेस को। आई होप कि आकाश अभी ये लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग का प्लान बहुत ज्यादा ओपी है, आई होप के काम कर जाएगा। अरे यार हमें भैया पता नहीं कहाँ से ये वाली ज़ॉम्बीज आ गई, हम भैया सबके सब ज़ॉम्बीज को यहाँ पे मार देना। हाँ सिंचन, सबके सब ज़ॉम्बीज को हम लोग यहाँ पे मार देंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। एक तो तू इतना ज्यादा डर जाता है ना, और सिंचन को डरता हुआ देख के मैं भी डर जाता हूँ यार। अब अच्छा तू क्यों डर जाता है? अरे हम लोग क्योंकि सिंचन डर जाता है यार। नहीं जब अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन वाले बॉक्सेस के ऊपर भी हम लोग बैलिस्टा को लगा देंगे। अभी तो यार गाइस यहाँ पे हारने का चांस होगा ही नहीं, और हमें अभी तो लगता है कि पक्का जीतेंगे यार। हाँ यार चौप, अभी तो हम लोग को जीतना ही होगा, इतनी ज्यादा ओपी आर्मी हम लोग ने यहाँ पे खड़ी कर दी है। और हमें ये वाले आर्चर तो यहाँ पे घूम रहे हैं यार। हाँ यार चौप, ये लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सामने से ज़ॉम्बीज का वेव आना शुरू हो गया है। आप लोग देख रहे हो गाइस आर्चर्स तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहे, मगर गाइस हम लोग के बैलिस्टा यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है गाइस इतनी आर्मी हम लोग की यहाँ पे काफी रहेगी। आप लोग देख रहे हो गाइस बैलिस्टा के पास इतनी ज्यादा पावर है, जैसे इन ढांचे को बैलिस्टा लगता है गाइस ये तो दोबारा वहां पे पीछे गिर जाते हैं। और हाँ वाकई में बैलिस्टा बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। अबे हाँ यार चौप, तू देख रहे हो ये भाई ज़ॉम्बीज यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं पा रही। अभी तो तू समझ ले कि हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे, मगर गाइस हम लोग के आर्चर्स यहाँ पे आगे नहीं जा पा रहे। कोई बात नहीं, हम लोग के बैलिस्टा यहाँ पे सारा का सारा काम कर देंगे। अरे हाँ यार हमें भाई ये वाले बैलिस्टा तो इन भाई ज़ॉम्बीज को आगे आने नहीं दे रहे। हाँ यार सिंचन, साथ में आर्चर्स के तीर भी यहाँ पे निकलने शुरू हो गए, मगर हेलाउंड यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे कोई भी आर्चर नहीं खड़ा हुआ। और ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, हम लोग ये वाले बैलिस्टा तो यहाँ पे टूट चुके हैं, और यहाँ पे इतने ज्यादा आर्चर्स एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। हम लोग की जीवाई साइड थोड़ी सी वीक है, मगर गाइस जीवाई साइड हम लोग की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में यहाँ पे ऊपर भी बैलिस्टा लगे हुए हैं। तो गाइस जीवा यूनिट्स यहाँ से आगे तो जाने नहीं वाले, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस हम लोग यहाँ पे खड़े होके जीतने वाले हैं। और हम ये वाला बॉक्सिंग वाला प्लान बहुत ज्यादा ओपी था यार। हाँ यार चौप, ये बॉक्सिंग वाला प्लान बहुत ज्यादा ओपी है, मगर गाइस यहाँ पे आर्चर्स तो अपने ही दोस्तों को यहाँ पे तीर मार रहे हैं। और हम ये तो सारे के सारे तीरों से भर गए यार। अबे हाँ यार चौप, सबके सब आर्चर्स यहाँ पे तीरों से भर चुके हैं। मगर कोई बात नहीं, इन लोगों ने यहाँ पे आर्मी को कंट्रोल किया हुआ है, और यहाँ पे भी बेस्ट हम लोग के टूट चुके हैं। कोई बात नहीं, हम
हम लोग के ऊपर वाले भरोसा को तो यार गाइस यहाँ पे कोई भी नहीं तोड़ सकता। अरे यार हमें भैया यहाँ पे तो कोजरोक डीमन भी आ चुके हैं। कोई बात नहीं सिंचन, अगर यहाँ पे स्कॉर्च भी आ गया तो वो भी यहाँ पे बचेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने बहुत ही ज्यादा ओपी प्लानिंग के साथ अपनी आर्मी को खड़ा किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम लोग यहाँ पे पक्का जीतने वाले हैं। अरे यार हमें भैया मगर इन वाले आर्चर्स को तो बहुत ज्यादा तीर लग चुके हैं। कोई बात नहीं सिंचन, ये लोग फिर भी मरेंगे नहीं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे चिंता मत कर, हम लोग यहाँ पे जीतने वाले। और गाइस फाइनली यहाँ पे स्कॉर्च भी आ चुका है, मुझे पक्का पता था कि यार गाइस यहाँ पे स्कॉर्च भी आएगा। और अभी वाली वेव यार गाइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जीत पाएंगे नहीं। हम लोग के ये वाले बैस्टा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपी काम कर रहे हैं, मगर गाइस स्कॉर्च की वेव यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग देख रहे हो गाइस स्कॉर्च की पावर्स यहाँ पे जमीन पे भी काम करती है, मगर गाइस ये भी यहाँ पे मर चुका है। अरे यार हमें भाई ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं सिंचन, हम लोग के आर्चर्स भी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम लोग यहाँ पे पक्का जीतेंगे। अरे यार हमें भैया मगर अगर ये वाले बैस्टा यहाँ पे टूट गए फिर तो हम लोग हार जाएंगे। अरे यार हमें भैया ये वाले बैस्टा यहाँ पे टूट चुके हैं। सिंचन ये तो वाकई में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, मगर तू घबरा मत, हम लोग की ये भाई दो रोज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबके सब यूनिट्स यहाँ पे धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो गाइस बैस्टर ने किस तरीके से इस वाले हेडलेस हल्क को मार दिया। अभी इसके मरने की बारी है, फाइनली ये भी मर चुका है। कोजरोक डीमन भी मर गया, जो भी यहाँ पे आगे आता है वो यहाँ पे मर जाता है। और हम लोग का प्लान ही इतना ज्यादा ओपी है यार। हाँ यार चौप, मगर ये वाले आर्चर्स यहाँ पे पीछे भाग रहे हैं। और हम लोग की ये भाई रो भी यहाँ पे टूट चुकी है यार। यार गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है यहाँ पर, हम लोग की ये भाई रो भी यहाँ पे टूट चुकी है, हम लोग की ये भाई रो भी यहाँ पे टूटने वाली है। और गाइस यहाँ पे तो स्कॉर्च भी आ चुका है, इतनी ज्यादा खतरनाक आर्मी खड़ी की थी, मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग मरेंगे यार गाइस, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम लोग के सारे आर्चर्स को मार दिया इन लोग ने। अरे यार हाँ भैया देखा, मैंने आपको बोला था कि ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यार सिंचन लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये लोग तो यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहे। अरे हाँ हाँ भैया ये लोग यहाँ पे खत्म ही नहीं होते, इन लोग के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। यार सिंचन 1000 यूनिट्स तो यहाँ पे आ चुके हैं, और कितने होंगे? अरे हाँ भैया प्लीज यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लो, नहीं तो ये लोग मेरे फार्म हाउस को तोड़ देंगे। सिंचन यार वाकई में कुछ ना कुछ यहाँ पे करना ही पड़ेगा, इस तरह तो हम लोग यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे। अरे हम आपके पास कोई प्लान है क्या यार? जो आप यार मेरे पास एक नहीं, मेरे पास ढेर सारे प्लान है, मुझे अच्छे से पता है कि इन भाई ज़ॉम्बीज को किस तरह मारना है, बस तू देखते जाके अभी मैं यहाँ पे करता क्या हूँ। तो यार गाइस जो ये वाले बॉक्सेस हैं इनके ऊपर हम लोग लगाने वाले हैं रॉकेट लॉन्चर्स को, क्योंकि यार गाइस बेस्टा के बस की बात तो है नहीं, रॉकेट लॉन्चर्स के पास काफी ज्यादा पावर्स होती है। और साथ में हम लोग इनके ऊपर यहाँ पे प्लाज्मा कैनन को भी लगाएंगे। और हम इतने ज्यादा खतरनाक वेपन इन भाई ज़ॉम्बीज के लिए यार। अबे हाँ यार चौप, यहाँ पे 1000 से ज्यादा यूनिट्स खड़े हुए, तो यार चौप आर्मी तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो यार गाइस जो ये वाली रो है इसके ऊपर हम लोग खड़े करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने आर्चर्स को, आर्चर्स के अलावा हम लोग यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं खड़ा करने वाले हैं। और हमें बहुत ज्यादा आर्चर्स खड़े कर दिए यार। हाँ यार चौप आर्चर्स तो हम लोग को खड़े करने पड़ेंगे। और गाइस जो ये वाली जगह है यहाँ पे हम लोग खड़े करेंगे अपने एचएसएस को, इस जगह के ऊपर हम लोग खड़े करने वाले अपने गोरो को। और हमारा गोरो तो बहुत ज्यादा बड़े हैं यार। हाँ यार चौप इनके पास पावर्स भी ज्यादा होती है। और गाइस जो ये वाली जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े करने वाले अपने ढेर सारे गोर हैमर को, हम लोग के 100 यूनिट्स यहाँ पे कम्प्लीट हो चुके हैं, मगर अगर इतना तो यहाँ पे काफी रहेगा नहीं। तो इस वाली रो के ऊपर हम लोग खड़े करेंगे अपने ऑग्र लॉर्ड को, ये लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, मगर अगर सिर्फ इतना यहाँ पे काफी नहीं रहेगा, हम लोग सिंचन के फार्म हाउस के ऊपर यहाँ पे ड्रैगन्स को भी खड़ा करेंगे। अरे यार हमें भी लगता है कि अभी मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा। सिंचन यार अभी तो यहाँ पे पक्का जीतने वाला है। अपने ऑग्र लॉर्ड के ऊपर हम लोग लगाएंगे मशीन गन्स को, और हमें बहुत ज्यादा खतरनाक आर्मी होगी यार। हाँ यार चौप आर्मी तो यहाँ पे खतरनाक हो चुकी है, मगर ज़ॉम्बीज का वेव भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई होप कि आकाश हम लोग जीत जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आकाश हम लोग का ये वाला प्लान यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर तो हम लोग के इस वाले प्लान ने भी यहाँ पे काम नहीं किया ना, फिर तो आकाश बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अरे यार हमें भी अगर हम लोग का ये वाला प्लान फेल हो गया फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सिंचन यार फिर हम लोग चुपचाप इस वाले फार्म हाउस को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। अच्छा ठीक है हामिद भैया। तो यार गाइस बैटल यहाँ पे शुरू हो चुका है, आर्मी हम लोग की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि यार गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हारेंगे। सारा का सारा ग्राउंड हम लोगों ने यहाँ पे भर दिया, और ये आप लोग देख रहे हो कि यूनिट्स को तो यार गाइस ये लोग निकलने से पहले ही मार देते हैं। अरे यार हामिद भैया अभी तो मैं जीत जाऊंगा। सिंचन यार अभी तो यहाँ पे पक्का जीतेगा, बस तू यहाँ पे 2 मिनट वेट कर, और उसके बाद देख के यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि यार गाइस हम लोग के ड्रैगन्स भी यहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं, तो ये लोग तो यूनिट्स को निकलने से पहले यहाँ पे मार देंगे। मगर यार गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे अपने गोर हैमर को नीचे पटक दिया। कोई बात नहीं, हम लोग के गोरोस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग देख रहे हो कितने ज्यादा गुस्से में ये वाला गोरो। यार गाइस ये तो नहीं छोड़ेगा किसी को, और हम वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में यार। भैया चौप मगर ड्रैगन ने इसको नीचे गिरा दिया है, ये लोग तो यार गाइस ज़ॉम्बी की जगह पे जाके ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं, और सिंचन के सारे प्लांट्स भी यहाँ पे बच चुके हैं। अरे यार हमें भैया ये वाली आर्मी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ज़ॉम्बीज को बाहर निकलने से पहले ही मार देती है। हाँ यार सिंचन ये वाली आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और गोरोस को खास तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। आप लोग देख रहे हो कि ये लोग यूनिट्स को उठा के नीचे पटक रहे हैं, सबके सब यूनिट्स यार गाइस यहाँ पे मरने वाले हैं, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, ये इन लोग की निकलने की जगह है। मगर गाइस हम लोग के यूनिट्स भी यहाँ पे किसी से कम नहीं है। अरे यार हमें भैया मगर यहाँ से तो स्कॉर्च भी निकलेगा। सिंचन यार अगर तो यहाँ पे 100 स्कॉर्च भी निकल आए ना, तो फिर तो कुछ ना कुछ हो सकता है। मगर यार सिंचन यहाँ पे एक एक करके स्कॉर्च निकलते हैं, हम लोग यहाँ पे पक्का जीतने वाले हैं। अरे यार हाँ भैया मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और यार सिंचन तो देख रहे हैं सबके सब कोजरोक डीमन यहाँ पे नीचे गिर के मर चुके हैं, और साथ में हम लोग का गोरो और गोर हैमर भी नीचे गिर गया, ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है। मैं
कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग के पास काफी ज्यादा आर्मी है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हम लोग का ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे हमें ज़ॉम्बीज के निकलने का वेट कर रहा है यार। वैसे यार चॉप कितना ज्यादा खतरनाक है ड्रैगन, हम लोग का यहाँ पे घास के अंदर छुप चुका है। जैसे ही ज़ॉम्बीज बाहर आती है हम लोग के यूनिट्स उनको नीचे फेंक के पटक के मार देते हैं। साथ में हम लोग के ओगरलॉर्ड यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी तो यार गाइस यहाँ पे हारने का चांस है ही नहीं। यहाँ से अगर 1000 ज़ॉम्बीज भी निकल गई ना तो फिर भी यार गाइस वो यहाँ पे बचेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फार्म हाउस के ऊपर ढेर सारे प्लाज्मा कैनन और रॉकेट लॉन्चर्स को लगा दिया है। अरे यार हमें भी लगता है कि मेरा फार्म हाउस अभी यहाँ पे सेफ है। आया सिंजन, तेरा फार्म हाउस यहाँ पे फुली सेफ है, तू यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत कर। अरे यार हमें भी, मगर हम लोग के ड्रैगन यहाँ पे बाहर उड़ गए। आया सिंजन, यहाँ पे हम लोग का एक ही ड्रैगन काफी है। तो यार सिंजन मैं यहाँ पे चलता हूँ, तेरे सारे के सारे फार्म हाउस को मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है, अभी तुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अरे यार हमें भी थैंक यू। कोई बात है सिंजन, ये तो हम लोग का यहाँ पे फर्ज था। तो यार गाइस आई होप कि आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सिंचन और चॉप आपसे मिलते हैं कोर गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।